हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माइनिंग सरदार रविशंकर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन जो है एसईसीएल का माइनिंग सरदार एग्जाम हुआ था, इसका क्वेश्चन है। तो बहुत स्टूडेंट जो है पूछ रहे थे कि सर ये क्वेश्चन कहाँ से आया और इसका आंसर कहाँ मिलेगा। तो इसके बारे में हम बताते हैं इस वीडियो में, आपको कंप्लीट डिटेल में बताएंगे कि ये जो क्या है और इसका आंसर जो है कहाँ पे अवेलेबल है। सबसे पहले ये क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है? 5 मिनट का वीडियो है, ज़्यादा लंबा नहीं है, जल्दी जल्दी समझा देंगे। एज पर डीजीएमएस सर्कुलर, सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ टर्म डीजीएमएस सर्कुलर, ठीक है? द मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है? यहाँ क्या पूछा है, मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी टू बी कंसिडर्ड फॉर डिजाइन ऑफ पिट बेंच एंड डंप स्लोप शैल इन एनी केस नॉट लेस देन डैश फॉर परमानेंट और लॉन्ग स्टैंडिंग स्लोप, ठीक है? तो सबसे पहले जो है आप ये बताइए कि इसमें से कितने लोगों को इसका आंसर आता है, ठीक है? सबसे पहले आप बताइए कि आपको इसका आंसर आता है कि नहीं। अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप कमेंट में यस लिखिए, और आपको नहीं आता है तो नो लिखिए। तो इससे आपको क्या पता चलेगा ना, इससे आपको पता चलेगा कि आप लोग जो है जब पढ़ते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन और इस टाइप के चीज को जो है वो नजरअंदाज करके चलते हैं या फिर ये सब चीज को जो है पॉइंट आउट करते रहते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करें, क्योंकि ये आप लोगों के ही भलाई के लिए है कि इसमें क्या है ना कि आने वाला समय में हम ऐसा ऐसा चीज को और ज्यादा हाईलाइट करेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं ये सब चीज जो है आप लोग नजरअंदाज कर दे रहे हैं जबकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो हम जो है ये सब चीज को जो है आपको बताते रहेंगे। तो सबसे पहले आप, अगर आपको इसका आंसर अच्छे से पता था तो यस लिखिए, नहीं पता था तो नो लिखिए। कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हमें कोई घबराना नहीं है। चलिए आ जाते हैं हम लाइन बाय लाइन, ठीक है? क्वेश्चन हम लोग समझ गए। अब देखिए इसका आंसर जो है फ्रेंड्स, आपको जो है डीजीएमएस का एक सर्कुलर है। हम बार बार बोलते हैं कि फ्री टाइम में डीजीएमएस का सर्कुलर बोल बोल के पढ़ा कीजिए, पता नहीं कौन सा सर्कुलर जो है एग्जाम में पूछ दे। तो देखिए डीजीएमएस टेक का सर्कुलर नंबर जो है, यहाँ से एडिट का ऑप्शन आता है क्या, देखते हैं एक बार, है ना? अगर आता होगा तो लाइट लाइट पेन का ऑप्शन शायद है, 1 मिनट देखने दीजिए हमको। अगर हाँ ठीक है, चलिए ड्रॉ आ गया। ये जो है डीजीएमए सर्कुलर 3 ऑफ 2020, ठीक है, जो कि 16/1/2020 को इशू किया गया था। ये जो है रेगुलेशन 106 के संबंध में है, ठीक है? CMR 2017 का रेगुलेशन 106, आप देखिएगा क्या चीज है। हर चीज हम आपको बताएंगे नहीं, थोड़ा आप भी मेहनत कीजिए, अगर आप नहीं देखे तो रिवाइज भी होगा, ठीक है? ये किसको कहा गया था, ऑल ओनर एजेंट एंड मैनेजर ऑफ ओसीपी। देखिए ये स्पेशली ओसीपी के लिए कहा गया था, ठीक है? तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब रेगुलेशन का में जो भी चीज दिया हुआ है उसके हिसाब से सर्कुलर निकाला गया था, जिसमें जो है स्कोप ऑफ स्टडी के बारे में बताया गया है, ठीक है? क्या क्या आपको स्टडी करना है। और यहीं पे जो है आप देखिएगा पॉइंट नंबर 3 में आपको मिलेगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी। देखिए इसी से 2 क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है? भाई क्यों नहीं हो रहा, इसी में जो है आपको 2 क्वेश्चन मिलेगा, आपको ध्यान से पढ़ना है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर डिजाइन ऑफ पिट बेंच एंड डंप शैल बी डिटरमाइंड कंसिडरिंग ऑल कंसर्न पैरामीटर सच एज जियो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ रॉक मास, ठीक है, ग्राउंड वाटर कंडीशन, हाइड्रोजियोलॉजिकल स्टडीज, सिस्मिक इफेक्ट, मेथड ऑफ माइनिंग ETC। तो ये वाला पॉइंट भी आपसे हो सकता है किसी न किसी एग्जाम में पूछ दे, तो आपको ये सब पढ़ लीजिएगा कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर डिजाइन ऑफ पिट बेंच एंड डंप शैल बी डिटरमाइंड बाय कंसीडरिंग ऑल कंसर्न पैरामीटर सच एज, मान लीजिए कुछ कुछ आपको ऑप्शन दे देगा, है ना? जियो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज दे दिया, रॉक ऑफ रॉक मार्क्स दे दिया, ग्राउंड वाटर कंडीशन दे दिया, ये सब दे दिया, और ऑल ऑफ दीज आंसर में दे दिया, ठीक है?
तो आपको पता रहना चाहिए क्या क्या चीज इसमें मेंशन किया गया था सर्कुलर में। इसी का पॉइंट नंबर 2 में आप जाइएगा तो आप देखिएगा, हाउएवर द मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी टू बी कंसीडर्ड फॉर डिजाइन ऑफ पिट बेंच एंड डंप स्लोप सेल इन एनी केस नॉट लेस देन 1.5, ठीक है, फॉर परमानेंट और लॉन्ग स्टैंडिंग स्लोप। ये किसके लिए है? फॉर परमानेंट एंड लॉन्ग स्टैंडिंग स्लोप एंड 1.3 फॉर ऑल अदर केस। तो आप देखिए, आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा था फॉर ए परमानेंट और लॉन्ग स्टैंडिंग स्लोप, मतलब जो हम परमानेंट रहेगा, ठीक है, और जो लॉन्ग स्टैंडिंग रहेगा। उसके लिए जो है 1.5, ठीक है, लेकिन ऑल अदर केस के लिए वन पॉइंट थ्री है, ठीक है। हो सकता है एग्जाम में इस बार लॉन्ग स्टैंडिंग और परमानेंट पूछ दिया, नेक्स्ट एग्जाम में हो सकता है फ्रेंड्स कुछ और पूछ देगा, इसलिए आपको जो है ये दोनों चीज को जो है आपको ध्यान में रखना है कि 1.3 कब है और 1.5 कब है। और हम आपसे फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो हम पहले बोले थे कि अगर आप ये क्वेश्चन का आंसर जानते थे तो आप प्लीज यस लिखिएगा, और नहीं जानते थे तो नो लिखिएगा। इससे क्या है ना, आपको पता चलेगा, अगर बहुत सारे स्टूडेंट है जो सर्कुलर को अच्छे से नहीं पढ़ पाए हैं या उनको पढ़ने में दिक्कत आ रहा है, तो कोशिश करेंगे एक सर्कुलर का जो है पूरा सेशन करने का, जिसमें क्या है कि जितना भी इम्पोर्टेंट सर्कुलर है, देखिए अब सब कुछ तो इम्पोर्टेंट सर्कुलर जो है उसको जो है हम कवर करवा देंगे, ये करवाने का कोशिश करें, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा टाइम तो मिल नहीं पाता है। आप खुद से भी पढ़िए अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आपको नहीं हो पा रहा और बहुत ज्यादा स्टूडेंट अगर इस चीज का डिमांड करते हैं, तो निश्चित है कि हम एक स्पेशल टाइम लेकर के खास करके सर्कुलर को, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन अब ना जनरल माइनिंग जो होता है ना, मतलब आप मान करके चलिए कि जो आपका जनरल माइनिंग का क्वेश्चन है, जनरल माइनिंग उसको कहीं ना कहीं अटैच कर दिया जा रहा, प्लस कर दिया जा रहा है सर्कुलर के साथ। हम अभी करेंटली बहुत सारा क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें जो है जनरल माइनिंग को या मेथड ऑफ माइनिंग को इजीली सर्कुलर के साथ अटैच करके जो है ना कोई क्वेश्चन बन रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन जो है, जो ओल्ड बुक्स है, जो ओल्ड हम लोग का बुक्स है, रेगुलर बुक्स जो हम लोग क्या उसको बोले, कन्वेंशनल बुक जिसको बोल सकते हैं, वो सब में इतना जो है पॉइंट नहीं किया गया है, इतना चीजों को जो है ना एग्जैक्टली पॉइंट नहीं किया गया, छोटा छोटा चीज को छोड़ दिया गया। लेकिन अभी का जो हम एग्जाम पैटर्न देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो है ना दोस्त, कहीं ना कहीं जो है ना लेटेस्ट चीज को ऐड कर रहा है मेथड के साथ, मेथड के साथ। तो कहीं ना कहीं आपको जो है दोनों चीज को अटैच करके पढ़ना होगा थोड़ा थोड़ा, तब जो है आप इस टाइप का क्वेश्चन को एक्यूरेटली आंसर दे पाइएगा। और जाहिर सी बात है कि हम सच बताएं तो जब हम भी माइनिंग की तैयारी किए थे तब ये सर्कुलर को तो उस समय जारी नहीं हुआ था, तो ये सब चीज हम भी उस समय नहीं पढ़े थे। बट चूंकि ड्यूटी में मेरा ड्यूटी जो है OCP पे है, तो हम ये जो है बीच बीच में जो है ये सब हम लोग को सेफ्टी में आते रहता है, तो ये सब चीज पढ़ने का मौका मिल जाता था। तो ये सब चीज तो जैसे हमको दिमाग में रहता था, लेकिन कभी सोचे नहीं थे कि ये सब चीज का क्वेश्चन बना देगा। जब हम SCCL का क्वेश्चन देखें तब हम सोचे कि अरे यार ये तो मतलब कि जो अभी लेटेस्ट आया हुआ है या लेटेस्ट ही चल रहा है, अभी भी ये सब चीजों पे जोर दिया जा रहा है माइंस में, उसको भी अभी क्वेश्चन बना करके पूछ दे रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो है 2019 में एग्जाम पास करा था, ठीक है, और 2019 के बाद जो लेटेस्ट सर्कुलर सब है ये हम डायरेक्टली तो नहीं पढ़े थे, बट ऑन ड्यूटी जो है पढ़ने का मौका मिल ही जाता था। तो इसका बेसिक बेसिक पॉइंट्स जो है, जैसे ये 1.5 और 1.3, ये दोनों हमको याद था, लेकिन हमको ये याद नहीं था परमानेंट के लिए कितना था और इन अदर केस के लिए
केस के लिए एग्जैक्ट कितना था ये याद नहीं था, 1.5 1.3 दोनों था, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाते कि परमानेंट के लिए थोड़ा ज्यादा रहता और उधर केस के लिए थोड़ा सा कम रहता, तो वो हो जाता, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं था, आंसर मान ही देते। बट सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे अभी सर्कुलर को वैल्यू दे रहा है कंपनी, ये बड़ी बात है। और एक चीज हम बताना चाहेंगे फ्रेंड्स कि जो पीडीपीटी आप करिए ना, तो सेफ्टी ऑफिसर के साथ जो है ना टच में रहिए, क्योंकि माइंस का किसी पर्सन के पास पेपर का डिटेल हो या ना हो, लेकिन सेफ्टी ऑफिसर जो है ना, इसके पास जो है ना पेपर का डिटेल एकदम टू द पॉइंट रहेगा। भले ये सेफ्टी ऑफिसर आपको माइंस का एबीसीडी भी नहीं जानता हो, मशीन लगाने नहीं जानता हो, मशीन का बहुत कुछ नहीं जानता हो, लेकिन पेन पेपर में भाई ये जितना एक्यूरेट और इतना व्यवस्थित रूप से रखते हैं ना, ये आपको और कोई भी पर्सन, यहाँ तक कि वहां ड्यूटी करने वाले ओवरमैन या माइनिंग सरदार भी आपको एग्जैक्ट डिटेल नहीं दे पाएंगे जितना जो है आपके माइंस के सेफ्टी ऑफिसर दे पाएंगे। इसलिए आप जो है सेफ्टी ऑफिसर के टच में रहिएगा। और एक चीज बताना था इसी सर्कुलर के रिलेटेड, हमको बार बार लग रहा है कि काफी इंपॉर्टेंट होगा, हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में पूछ दे, तो उसके बारे में बता दें कि एक लाइटनिंग को लेकर के, हाँ लाइटनिंग को लेकर के और थंडरिंग को लेकर के जो है, लाइटनिंग और थंडरिंग को लेकर के भी एक सर्कुलर है, तो आपको जो है ये सर्कुलर भी पढ़ करके जाना है, क्योंकि ये सर्कुलर भी जो है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के श्रेणी में आता है, काफी जोर दिया गया है, जो माइंस में आपको पता होगा WCL में, हाँ जी भाई, नया नया पेन खरीदे हैं ये वाला टच स्क्रीन वाला, इसलिए ट्रायल कर रहे हैं, बीच बीच में मिस्टेक हो जाता है, ये मत समझिएगा कि जानबूझ के कर रहे हैं। तो WCL में जो हुआ था ना, अरे यार WCL में एक आप देखे होंगे न्यूज, जिसमें जो है माइंस में बिजली गिर गया था, बिजली गिर गया था, एक पर्सन जो है उसमें डेथ कर गया था, वीडियो काफी वायरल हुआ था, तो उसी को देखते हुए हो सकता है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे बन जाए, तो आप जो वो सर्कुलर को भी देख लीजिएगा, अगर आपको एग्जैक्ट नहीं पता है कि वो कहाँ पे है वो वाला सर्कुलर, तो हम वो भी बता देंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। देखिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहता है, क्योंकि हम भी अब रिलैक्स होकर के कोई चीज एक्सप्लेन करना चाहते हैं, जल्दी जल्दी किसी तरह करके निकाल देने वाला हाल नहीं चाहते, तो टाइम दे करके भाई एक ही क्वेश्चन अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं पर डे ना, अगर एक ही क्वेश्चन अगर हम ढंग से प्रिपेयर कर ले रहे पर डे, तो निश्चित मानिए कि पूरा माइनिंग में आपको जो है ना 100 ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो किसी भी एग्जाम में किसी भी पर्सन का मेरिट डिसाइड करेगा, ठीक है ये जान जाइए, ये बस 100 ही क्वेश्चन है जो किसी पर्सन का मेरिट डिसाइड कर देगा, बस एक दो नंबर से। तो अगर आप डेली 5 क्वेश्चन भी इस तरह का पर आवर एक क्वेश्चन के हिसाब से अगर 5 क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो आप निश्चित मानिए आप बाकी का भीड़ से आगे रहेंगे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, माइनिंग सरदार रविशंकर, लिखने में बहुत मजा आ रहा है इसलिए थोड़ा लिख भी दे रहे हैं, है ना, प्लीज सब्सक्राइब भी लिख देते हैं। और चलिए ठीक है, बंद करते हैं इसको।